ही भगवान प्रलय के समय आपने बिना परिश्रम समुद्र तरण के लिए नौका की तरह चेष्टित मीन रूप धारण करके वेद शास्त्र की रक्षा की थी। हे मीन रूपधारी भगवान, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने अपने अति विपुलतर पीठ पर पृथ्वी को धारण किया था, इसी कारण आपकी पृष्ठ पर घाव का चिन्ह है। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने शूकर रूप धारण करके प्रलय के जल से पृथ्वी का निज दांतों से उद्धार किया, इसी कारण आपके दांतों में प्राप्त पृथ्वी कलंक रेखा के सदृश शोभायमान हो रही है। हे जगदीश, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने नृसिंह रूप धारण कर श्रेष्ठ कर कमल पर आश्चर्य पैदा करने वाली अद्भुत श्रृंग रूप नखों को धारण किया और उन्हीं नखों से दैत्यराज हिरण्यकशिप को विनाश किया, इस कारण हे भक्तवत्सल भगवान, तुम्हारी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके बलि को छला था और आप ही ने अपने चरण कमल से निकले हुए जल से समस्त लोगों को पवित्र किया था। हे भक्तजन रक्षक, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे परशुराम रूप धारण करने वाले भगवान, आपने परशुराम रूप धारण कर कठोरात्मा क्षत्रियों का विनाश करके उन्हीं के रुधिर से पृथ्वी को तृप्त किया था। हे भगवान, हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने समस्त लोगों पर दया करने के हेतु श्री राम रूप धारण करके सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राक्षस राज रावण का संहार किया था। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने हरधर रूप धारण करके मेघ सदृश नील वस्त्र धारण किया, तब आपके शुभांग में वह नील वसन हलभीता जमुना का स्वरूप शोभायमान हुआ था। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने ही जीवों पर दया करने के हेतु बुद्ध रूप धारण करके पृथ्वी में जितने यज्ञ पशु हिंसा प्रदान हुआ करते थे उनकी निंदा की। हे बुद्ध रूपधारी भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने दुष्ट मलेच्छों के नाश के हेतु धूमकेतु स्वरूप खड्ग धारण करेंगे। हे कल्कि रूप भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री जयदेव रचित यह स्तोत्र सब स्तोत्रों में से श्रेष्ठ है। हे भक्तगण, इसको भक्ति भाव युक्त प्रीति पूर्वक आनंद से श्रवण करें। हे दस अवतारों को धारण करने वाले भक्तजन दयालो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने मीन रूप धारण कर प्रलय के जल से वेद शास्त्र की रक्षा की, कूर्म रूप धारण कर पृथ्वी के पीठ पर बहन किया, बारह रूप धारण कर निज दंतों में पृथ्वी को पानी में से उठाया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिप का नाश किया, वामन रूप धारण कर बलिराज का छलन किया और परशुराम रूप धारण करके क्षत्रियों का नाश किया, श्री राम रूप धारण करके रावण का हनन किया, हलायुध रूप धारण करके यमुना को खींचा, बुद्ध रूप धारण करके अहिंसा धर्म को प्रकाशित किया और अब कल्कि रूप धारण करके महाभ्रष्ट म्लेच्छ लोगों का विनाश करेंगे। अतः हे दशविध रूप धारण करने वाले, आपके चरण कमलों में मेरा नित्य प्रति साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जय श्री कृष्ण।